हेलो, मैंने मीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एवरलिंक्स ऑफिशियल। आज आपके सामने ये घर लेके आए हैं जी, 5 मरला यूनिट है ये। आप देख रहे हैं ये फॉर रेंट प्रॉपर्टी है। मज़ीद आप इसको मैं हम आपको इसका डिटेल विज़िट करवाते हैं। डिटेल विज़िट करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। ये 5 मरले का यूनिट है, फॉर रेंट ये प्रॉपर्टी है। मज़ीद मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ और इसका स्ट्रीट ओवरव्यू भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये इसका स्ट्रीट ओवरव्यू है, पार्क फेसिंग ये यूनिट है। इकबाल कॉलोनी इसकी लोकेशन है, नियर टू उस्मानिया मस्जिद। ये आप लोकेशन इसकी देख लें, पार्क फेसिंग यूनिट है ये। मज़ीद आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। घर के आप देख लें कि एंट्रेंस पे ये टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है और बाहर ये आप देख लें टाइल वर्क इस घर पे हुआ है। मज़ीद एक दफ़ा आपको मैं इसका फ्रंट एलिवेशन चेक करवा दूं। इसका टोटल सारा फ्रंट एलिवेशन और घर के अंदर दाखिल होते हैं तो टाइल का इस्तेमाल हुआ है। बड़ी गाड़ी का यहाँ पे गराज है। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत काम वगैरह हो रहा है पेंट का, वो भी फाइनल मरहले में पहुँचा हुआ है। ये आप देख लें छत इसकी, सीलिंग इसकी हुई हुई है। और मज़ीद आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे टाइल का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद मैं आपको इसका फ्लोर प्लान बताता हूँ। घर के अंदर दाखिल होते ही आपको इसके इस हाथ पे आपको ये ड्राइंग रूम एरिया मिल जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा आए तो आपको ये एक रूम की एक्सेस हो जाएगी, फिर आपकी मेन में एंट्रेंस हो जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक वॉशरूम की अवेलेबिलिटी और साथ इसका बेसन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको लेके चलते हैं ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। ड्राइंग रूम एरिया की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसका दिखा दूं, इसका ये डोर डिज़ाइन। ये आप इसका डोर डिज़ाइन देख लें और अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं तो ये आप देखें इसका सीलिंग आ गया। और मज़ीद मैं आपको ये दिखा दूं, ये पीछे इसकी कबर्ड, LED पॉइंट। और मज़ीद ही आप इसके देख लें, ये कबर्ड दी हुई है। ये डाइनिंग का एरिया डिज़ाइन किया गया है, आपको उस साइड से भी एक्सेस है। और फ्लोरिंग आप देख लें, टाइल वर्क की, टोटली टाइल वर्क की हुई है। मज़ीद आपको लेके चलता हूँ मैं इसके वॉशरूम एरिया की तरफ। और ये आप देख लें इसकी घर की मोटर है जो कि पानी को अपलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ये वॉशरूम एरिया, ये इसका वॉशरूम एरिया। और आपको ये मैंने बाहर से ये अंदर से दिखा दिए, ये ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया इसका कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये घर की मेन एंट्रेंस को एक्सेस देता है। आप इसका डोर डिज़ाइन चेक कर लें और मज़ीद मैं आपको इसका लेके चलता हूँ टीवी लाउंज एरिया। ये टीवी लाउंज एरिया की आप सीलिंग डिज़ाइन को देख लें। कबर्ड्स यहाँ पे गिवन है, LED पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। मज़ीद ये आप देख लें यहाँ पे, और एक रूम की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। कबर्ड्स इसमें बिल्ट इन है। और मज़ीद यहाँ से एक डोर है जो आपको किचन की तरफ एक्सेस दे रहा है, वो भी आपको उधर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये ओपन स्पेस आ जाती है घर की, जो कि जहाँ पे आप अपनी सिटिंग वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वॉशरूम इसका, ये इसका सेकंड वॉशरूम आ गया इस घर का। और ये इसका किचन, किचन का डोर डिज़ाइन आप देख लें। और अंदर कैबिनेट्स इसके बने हुए हैं। और मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ ओवन को प्लेस करने की जगह, और इसका काफ़ी स्पेशियस कैबिनेट्स हैं। ये काउंटर टॉप पे मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, नीचे भी कैबिनेट्स गिवन है। और मज़ीद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे इसके ये आप देख लें मार्बल का जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, और स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे बनी हुई है।
मज़ीद आपको ऊपर लेके गया हूँ। लेके आते हैं तो यहाँ पे ओपन स्पेस यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, आप अपना लॉन्ड्री वगैरह व्हाटसो एवर यहाँ पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऊपर आते ही आपको यहाँ पे एक रूम की एक्सेस गिवन है, उसके बाद एक रूम की एक्सेस ये है, उसके बाद ये वॉशरूम है, साथ एक किचन और एक रूम की ये है। और ये स्टेयर्स ऊपर आपकी चली जाती हैं, एक्सेस देती हैं आपको माउंटी की तरफ। आपको यहाँ से मैं विज़िट करवाता हूँ। ये रूम का सीलिंग डिज़ाइन, काफ़ी खुला ओपन स्पेशियस रूम है ये, विंडोज़ मौजूद हैं वेंटिलेशन के लिए। फ्लोरिंग आप देख लें और मज़ीद यहाँ से टेरेस की एक्सेस गिवन है। आपको टेरेस से मैं इसका ओवरव्यू करवा दूं। पार्क फेसिंग यूनिट है ये, और ये इसका सेकंड बेडरूम, सीलिंग डिज़ाइन, और उधर से वॉशरूम की एक्सेस दी हुई है। यहाँ पे कबर्ड्स इसके बिल्ट इन है। और ये इसके वॉशरूम, यहाँ से ये वॉशरूम की एक्सेस है। ये इसका किचन, सेकंड किचन है, और मार्बल टॉप पे काउंटर टॉप पे मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे ये आप देख लें, और ये स्टेयर्स आपको ऊपर एक्सेस देती हैं माउंटेन की तरफ। और ये आपको मैं दिखा दूं जी, इसका लास्ट घर का बेडरूम ये आप देख लें, ये इसका लास्ट बेडरूम। और इसके साथ ही इसका घर का विज़िट कंप्लीट होता है। टॉप माउंटी इसकी, ओपन स्पेस माउंटी है इसकी। जो भी बंदा इसको विज़िट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है वो हमारे सेल नंबर पे, हमारे ऑफिस के एड्रेस पे विज़िट कर सकता है। और इसका आस्किंग रेंट, 40,000 इसका आस्किंग रेंट है। 5 मरला के ये घर है, अवेलेबल फॉर रेंट है। तो इन दी एंड आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें न्यूज़ इन्हें। और उसके अलावा आप अपने कमेंट्स के अंदर अपना बता सकते हैं क्यूरियस के हवाले से कि आप लोग मज़ीद क्या देखना चाहते हैं और क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके हवाले से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और कमेंट्स में भी हमें शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।